हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। सो पहले दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग देख लेना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए, और मॉक टेस्ट भी स्टार्ट है। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI, यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। सो पहले दो पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक डिस्कस कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, डैश इज द सेट ऑफ फोर्सेस दैट एनर्जाइज आर डायरेक्ट और सस्टेन बिहेवियर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन सर सोशलाइजेशन, मोटिवेशन, री इन्फोर्समेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन सर करिकुलम, क्लासरूम, एक्टिविटीज या सोसाइटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी करिकुलम। सो करिकुलम का एक पार्ट होता है सिलेबस, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, अभी करिकुलम क्या है? करिकुलम इज, ऑप्शन सर कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो एक इंस्टीट्यूशन पे एक ईयर पे होता है, तो इसको हम बोलेंगे करिकुलम। इस पे स्कॉलास्टिक होगा और को स्कॉलास्टिक यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। सो कौन सा मतलब मोस्ट क्वालिटीज़ जो सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरत है एक टीचर का? ऑप्शन सर ही और शी शुड बी एन लर्नेड पर्सन, ही और शी शुड बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, या ऑप्शन सी ही और शी शुड हैव पेशेंस, या ऑप्शन डी ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी ही और शी शुड हैव पेशेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डू टीचर यूज टीचिंग एड। सो किस लिए मतलब जो टीचर है वो TLM वगैरह या टीचिंग एड यूज़ करते हैं? ऑप्शन सर टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, या टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, या ऑप्शन सी फॉर स्टूडेंट अटेंशन, या ऑप्शन डी टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज। ऑप्शन आर रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, या इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट। तो ये गलत है ये दोनों। ऑप्शन सी हेल्प ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये सही है। देखो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल यानी ओवरऑल डेवलपमेंट एक चीज़ पे आ गया, वो है ऑप्शन सी। सो राइट आंसर को ऑप्शन सी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।